अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है और इसी स्कीम के तहत उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल में 16 स्टेशन चयनित किए गए हैं। डबरा भी उसमें जो है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आता है गया है। और पहले इस स्टेशन पे मैं बताना चाहूँगा कि जो मथुरा से झांसी तक की तीसरी लाइन का कार्य चल रहा है, उसके तहत तीसरी लाइन बन चुकी है और जो हमारी पुरानी स्टेशन बिल्डिंग है वो डाउन लाइन साइड में थी, वो उसी तीसरी लाइन चूँकि उसी पे बनी है तो इसलिए वो बिल्डिंग तोड़ दी गई है और उसकी बजाय अप लाइन साइड में एक नई स्टेशन बिल्डिंग बन गई है। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं में जो और भी हम सुधार करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्टेशन आते हैं तो अब हमारे पास एक ही अप्रोच है और उसको स्टेशन की अप्रोच को मैंने एक यात्री की तरह वहाँ कैसे आएगा और उसको क्या कंजेशन मिलेगा, क्या दिक्कतें होंगी स्टेशन में गाड़ी पकड़ने के लिए, उसकी गाड़ी छूट भी सकती है इतना कंजेशन है, तो उसको मैंने देखा और इसमें मैंने कमिश्नर ग्वालियर और डीएम कलेक्टर ग्वालियर से भी बात की है, क्योंकि रास्ते में जो दुकानें हैं जो फ्लाईओवर के नीचे हैं टेम्परेरी दुकानें या दुकानों से आगे घेर रखा है वो सारी कंजेशन है और उसकी वजह से कोई भी फोर व्हीलर तो आ ही नहीं सकता, टू व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। उनसे बात हुई है और एक हमने कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया हुआ है, वो कंसल्टेंट भी साथ में हमारे, उन्होंने निरीक्षण किया। मैंने गहन निरीक्षण करने के बाद पाया कि जो ये दुकानें हैं इनको हमें कहीं रिलोकेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें जो है तभी रास्ता इसमें मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है जब स्टेशन के अप्रोच में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कौन से ज़रूरी हैं, कौन से रिलोकेट किए जा सकते हैं वो भी देख लिए हैं। तो इसके बाद से मेरा व्यू पॉइंट यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम स्टेशन की अप्रोच पे को सुधार करें और उसका ट्रैफिक कैसे आएगा, कैसे रेगुलेट होगा वो उसको करें। उसके साथ साथ बहुत से और भी सुविधाएं हैं उस पर हम कार्य कर रहे हैं और इसमें आने वाले समय में आप पाएंगे कि स्टेशन का जो तीसरी लाइन के साथ साथ स्टेशन का भी जो है पुनर्विकास के बाद यात्रियों के लिए बहुत ही सुगम हो जाएगा। कई बिल्डिंगें तोड़नी है, स्कूल भी आ रहा है उसमें, उधर पार्किंग की समस्या भी यहाँ पर है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। वो देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले तो दुकानें पड़ती हैं जो स्थायी अस्थायी जो स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हुई है, उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ट्रेन ऑपरेशंस के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।